नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल भक्ति मंत्र में। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माताएं अपने वंश के संचालक पुत्र अथवा पुत्री की दीर्घायु व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। संतान की सुख समृद्धि की कामना का व्रत अहोई अष्टमी इस साल 8 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने से संतान के कष्टों का निवारण होता है एवं उनके जीवन में सुख समृद्धि व तरक्की आती है। जिन माताओं की संतान को शारीरिक कष्ट हो, स्वास्थ्य ठीक न रहता हो और बार बार बीमार पड़ते हों, या किसी भी कारण से माता पिता को अपने संतान की चिंता हो, तो माता द्वारा विधि विधान से अहोई माता की पूजा अर्चना व व्रत करने से संतान को विशेष लाभ होता है। अहोई अनहोनी शब्द का अपभ्रंश है। अनहोनी को टालने वाली माता देवी पार्वती है, इसलिए इस दिन माँ पार्वती की पूजा अर्चना का विधान है। अपनी संतानों की दीर्घायु और अनहोनी से रक्षा के लिए महिलाएं ये व्रत रखकर साही माता एवं भगवती पार्वती से आशीर्वाद मांगती हैं। तो आइए ये जानते हैं कि इनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। इस दिन माताएं सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार या कागज पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाइए और साथ ही सेह और उनके सात पुत्रों का भी चित्र बनाते हैं। सायंकाल के समय पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा कलश रखें। तत्पश्चात रोली चावल से माता की पूजा करें, मीठे पुए या आटे के हलवे का भोग लगाएं। आप गुलगुले भी चढ़ा सकते हैं। कलश पर स्वास्तिक बना लें और हाथ में गेहूं के सात दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनें। इसके उपरांत तारों को अर्घ देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श जरूर करें और आशीर्वाद लें। अब मैं आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय में किसी नगर में एक साहूकार रहता था और उसके सात लड़के थे। दीपावली से पूर्व साहूकार की स्त्री घर की पुताई के लिए मिट्टी लेने गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। उसी जगह एक सेह की मांद थी। मिट्टी खोदते समय उसी स्त्री के हाथ से कुदाल सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा मर गया। अपने हाथ से किसी जीव की हत्या होने के कारण साहूकार की पत्नी बहुत ही दुखी हुई और विलाप करने लगी। वह पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसके एक बेटे का निधन हो गया, फिर अचानक दूसरा बेटा, फिर तीसरा बेटा, फिर इस प्रकार वर्ष भर में ही उसके सातों पुत्र मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया है, लेकिन एक बार खद्यान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उससे एक सेह के बच्चे की हत्या हुई है और इसके बाद ही मेरे सातों पुत्रों की मृत्यु हुई। यह सुनकर औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप तो नष्ट हो ही गया है। तुम अष्टमी को भगवती पार्वती की शरण लेकर सेह और उसके बच्चे का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने उनकी बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। बाद में उसे सात पुत्रों की प्राप्ति हुई और तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। तो दोस्तों, अहोई माता का व्रत और पूजा करने से हम सभी के कष्ट जरूर दूर होंगे और माता पार्वती की कृपा हम पर सदा बनी रहेगी। इस कथा से हमें जीवों पर दया करने और हिंसा न करने की भी प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।